सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश के ट्रांसघाघरा क्षेत्र के जनपद बहराइच एवं गोंडा में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लेफ्ट बैंक घाघरा कैनाल के नाम से परियोजना प्रारंभ की गई। वर्ष 1982-83 में इसका विस्तार ट्रांसघाघरा राप्ती रोहनी दोआब क्षेत्र में स्थित प्रदेश के 9 जनपदों क्रमशः बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज व गोरखपुर तक करते हुए भारत सरकार के द्वारा सरयू परियोजना के नाम से 14.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रदेश के उक्त 9 जनपदों के काश्तकारों को 14.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु सरयू मुख्य नहर, राप्ती मुख्य नहर एवं गोला पंप कैनाल, डुमरियागंज पंप कैनाल, अयोध्या पंप कैनाल एवं उतरौला पंप कैनाल के कुल 6,590 किलोमीटर लंबाई में वितरण प्रणालियों का जाल बिछाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाना है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सिंचाई विभाग के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एक नदी घाटी जोड़ो परियोजना भी है, जिसके द्वारा घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बाणगंगा नदी एवं रोहिणी नदी को जोड़ते हुए उक्त जनपदों में आने वाली भयंकर बाढ़ की विभीषिका से बचाव का कार्य करती है। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा परियोजना पर समय से पर्याप्त धन उपलब्ध न कराने के कारण परियोजना की प्रगति अत्यंत धीमी रही, परंतु वर्ष 2017 से माननीय मोदी जी एवं माननीय योगी जी के द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराते हुए नहरों के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए विशिष्ट अभियान चलाकर भूमि क्रय की गई एवं नहरों को पूर्ण करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सरयू परियोजना के नहरों के अवशेष गैप्स को पूर्ण करने के साथ साथ राप्ती मुख्य नहर व कैंपियरगंज शाखा एवं इसके वितरण प्रणालियों के कार्यों को द्रुत गति से संपादित किया जा रहा है एवं माह दिसंबर 2019 तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य है। सरयू नहर परियोजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। निर्माण कार्य में लग रहे लंबे समय के कारण किसानों को इस परियोजना का लाभ मिलने में निरंतर देरी हो रही है, जिसे देखते हुए माननीय मोदी जी एवं माननीय योगी जी के नेतृत्व में इसे अविलंब पूर्ण कराए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चिन्हित 99 वरीयता परियोजनाओं में सम्मिलित करते हुए समय से पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना कार्य तेजी से पूर्ण किया गया है और आज माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को लोकार्पित की जा रही है। प्रदेश के जनपद बहराइच में घाघरा नदी पर निर्मित गिरजापुरी बैराज के बाएं बैंक से 360 क्यूमिक क्षमता की सरयू योजक नहर लंबाई 47.035 किलोमीटर निकाली गई है, जिससे सरयू नदी पर निर्मित सरयू बैराज के अपस्ट्रीम दाएं किनारे में पानी लाया जाएगा। सरयू बैराज के बाएं बैंक से 360 क्यूमिक क्षमता की सरयू मुख्य नहर निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई 63.15 किलोमीटर है। सरयू मुख्य नहर के किलोमीटर 21.4 दाएं बैंक से इमामगंज शाखा प्रणाली निकाली गई है। सरयू मुख्य नहर के किलोमीटर 34.7 के बाएं बैंक से राप्ती योजक नहर 21.4 किलोमीटर लंबाई में निर्मित कराई गई है, जो राप्ती नदी पर निर्मित राप्ती बैराज के अपस्ट्रीम में राप्ती नदी को पानी उपलब्ध कराएगी, जिसका उपयोग 125.68 किलोमीटर लंबी राप्ती मुख्य नहर हेतु किया जाएगा। सरयू मुख्य नहर के किलोमीटर 63.15 से दो शाखा प्रणाली बस्ती एवं गोंडा निकाली गई है। बस्ती शाखा से 4.2 लाख हेक्टेयर एवं गोंडा शाखा से 3.96 लाख हेक्टेयर सिंचाई कराने की व्यवस्था है।
प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में लक्ष्मणपुर कोठी के निकट निर्मित राप्ती बैराज के बाएं तट से राप्ती मुख नहर का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसकी कुल लंबाई 125.682 किलोमीटर है। उक्त नहर के दोनों बैंक पर 8-8 मीटर चौड़ी सेवा मार्ग का प्राविधान है, जो जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर व सिद्धार्थनगर को जोड़ेगी तथा कालांतर में बॉर्डर रोड के रूप में विकसित किया जा सकेगा। राप्ती मुख्य नहर प्रणाली से 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। धन्यवाद।